हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये हमारी हिंदी की स्पेशल एमसीक्यू सीरीज़ है, जिसमें हम हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि टॉपिक वाइज होंगे। तो ये क्लास हमारी यूट्यूब पे आपको डेली क्लास मिलेगी और फ्री क्लास होगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिस टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं। और इंस्टाग्राम नीचे दिया हुआ है हमारा इंस्टाग्राम आईडी, और ये है हमारा, आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। ये है हमारी कोचिंग सेलेक्शन मेंटर, जिसके नाम से आप हमें यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं और हमारे सारे सभी वीडियोज़ पा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की जनरल हिंदी की एमसीक्यू सीरीज़। पहला टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग एमसीक्यू की सीरीज से क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो दिया है स्क्रीन पे, कि फर्स्ट क्वेश्चन है उच्चारण के स्थान पर आ अ। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपकी के जो क्वेश्चन है वो दो तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं, या तो वो छोटा आ से पूछा जाएगा या फिर वो बड़े आ से पूछा जाएगा। आप क्वेश्चन पे ये फोकस करिएगा कि आपसे बड़ा आ पूछ रहा है या फिर छोटा आ पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है कि आ जो है, आ का उच्चारण स्थान क्या है, उच्चारण स्थान क्या है। ऑप्शंस दिए हैं आपको कि ऑप्शन है पहला कंठ, दूसरा तालव्य, तीसरा दंत और चौथा है मूर्धन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी लेटर की हमें साउंडिंग पढ़नी हो, मतलब उच्चारण पढ़ना हो, तो उच्चारण के लिए हम क्या करेंगे, सभी की साउंडिंग्स देखेंगे, खुद से रीड करके देखिए। पहला क्या है, कंठ है। कंठ में आ आ आ जैसी साउंडिंग हो रही है, जिसमें हमें ना ही हमारी जीभ टच हो रही है, ना ही हमारा दंत से कोई भी साउंडिंग निकल रही है। तो पहला जो आ है, इसका ऑप्शन क्या है कि ए नंबर जो है आ, ये आ हमारा कंठ ध्वनि है। आ की ध्वनि कौन सी है अगर आपसे पूछा जाता है, तो आ ध्वनि जो है वो कंठ ध्वनि है। आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको चार वर्ण दिए हैं, या र ला और वा, या र ल और व, चार वर्ण दिए हैं। इन सभी के व्यंजनों की ध्वनि पूछी है कि इन सभी व्यंजनों को क्या कहते हैं। तो जैसा कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि या र ल और व, अब देखा जाए तो इन सभी की अलग अलग ध्वनियाँ भी हम लोग आगे की एमसीक्यू सीरीज में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि इन सबको एक साथ क्या कहते हैं। तो चलिए, पहला ऑप्शन दिया है, आपको 5 सेकेंड देते हैं, फटाफट से आंसर बताइए क्या हो सकता है। स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या फिर कोई नहीं। जल्दी से बताइए क्या हो सकता है आंसर। तो जो या रा ला और वा हैं, इन सभी को हम लोग अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहा जाता है, वर्णमाला में या रा ला वा को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। आपसे अगर पूछा जाएगा, कभी कभी तो ये चारों ऑप्शंस देके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अदरवाइज कि अंतस्थ जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, कि जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो टोटल होते कितने हैं। तो ये टोटल सिर्फ 4 होते हैं, जिसमें आपने देखा या रा ला और वा, ये 4 होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी, ये 11 लावा है, इन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दिया है आपको कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं। ऑप्शन ए श स स ह, ट ठ ड ढ, ता था द ध, च छ ज झ, चार ऑप्शंस दिए हैं। जल्दी से बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए को ही हम लोग ऊष्म व्यंजन कहते हैं, जिसमें आपके 4 दिए हैं, जिसमें तीनों श स श श और हाँ, ये सभी दिए हैं आपके कि ये कौन से होते हैं। तो ये चारों ही आपके क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन। अगर आपसे इनकी संख्या पूछ ली जाए तो ऊष्म व्यंजन भी 4 और अंतस्थ भी, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा अंतस्थ कितने होते हैं, अंतस्थ भी 4 होते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट पूछा है कि महाप्राण ध्वनियाँ क्या, किस व्यंजन, किस वर्ग से संबंधित हैं। मतलब महाप्राण, अगर कोई भी व्यंजन लिखे हैं आपके कि का खा ग घ
और अंगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इनमें से महाप्राण कौन से होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि पहला और इसमें का खा गा घा और अंगा, पहला और तीसरा व्यंजन क्या कहा जाता है? पहले और तीसरे व्यंजन को हम लोग अल्पप्राण के नाम से जानते हैं। तो पहला और तीसरा होता है अल्पप्राण, और दूसरा और चौथा इसी वर्ग का, अगर हम ये खा और घा ले लें, मतलब दूसरा और चौथा क्या होता है? महाप्राण होता है। दूसरे और चौथे व्यंजन को हम लोग महाप्राण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महाप्राण। तो यहीं पर आपसे पूछा है कि महाप्राण ध्वनियाँ कौन सी होती हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि पहला और तीसरा क्या कहलाता है? अल्पप्राण। लेकिन यहां हमसे अल्पप्राण नहीं पूछा है, पूछा है कि महाप्राण। तो ध्यान रखिए कि जो दूसरा और चौथा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, जो दूसरा और चौथा है यही क्या होता है? महाप्राण कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से अर्धस्वर, निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा कहलाता है? अर्धस्वर के नाम से हम लोग किस व्यंजन को जानते हैं? चलिए य, र, ल और व, आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं कि इनमें से अर्धस्वर किसे कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा आपका जो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट, इसमें से या जो है, इस या को हम लोग अर्धस्वर के नाम से जानते हैं। या की जो ध्वनि होती है उसे हम लोग अर्धस्वर कहते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा है कि ला, आपसे क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि ला जो है वो किस प्रकार की ध्वनि है? ला किस प्रकार की ध्वनि है? पहला ऑप्शन दिया है आपको पार्श्विक, प्रकंपित, उच्छिप्त या फिर संघर्षशील। पार्श्विक, प्रकंपित, उच्छिप्त या फिर संघर्षशील। तो ला की ध्वनि आपको बतानी है। 5 सेकेंड आपके पास है, जल्दी से बताइए क्या हो सकता है आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए है, पूछा है कि ला की ध्वनि क्या है। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो ला है, इस ला की ध्वनि पार्श्विक होती है। क्या होती है? पार्श्विक होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब यहीं पर ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया है कि प्रकंपित। तो ये ध्यान रखिएगा कि रा, रा जो हम रा की साउंडिंग पढ़ते हैं वो रा से पढ़ते हैं, इसलिए रा को पढ़ने में हमारे मुंह में क्या होता है? कंपन होता है। इसीलिए प्रकंपित हमेशा क्या कहलाता है? रा कहलाता है। कभी भी ला की साउंडिंग प्रकंपित नहीं होती है। ला जो होता है वो पार्श्विक होता है, और अगर प्रकंपित पूछा जाए तो ये आपका रा होता है। और इस प्रकंपित की ही दूसरी ध्वनि हम लोग लुंठित के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम लोग लुंठित कहते हैं। तो हम प्रकंपित बोले, प्रकंपित पूछा जाए या फिर लुंठित पूछा जाए, दोनों ही कौन से होते हैं? रा होते हैं। लेकिन पार्श्विक अगर पूछा जा रहा है आपसे, तो पार्श्विक कौन सा होता है? ला होता है। ठीक है, आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट है आपका ए नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा है कि छ, ध्यान रखिएगा कि छ से छत्री वाला जो हम लोग पढ़ते हैं वो छ दिया गया है। वर्ण किसके संयोग से बनता है? अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो पहले वर्ण लिखा होता है ये हमेशा आधा होता है, मतलब इसके नीचे हलंत लगा होता है। अब इस सभी में का में नीचे हलंत जरूर होगा, तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये का के नीचे सभी में हलंत होगा। और जब किसी भी व्यंजन के नीचे हलंत होता है तभी वो अधूरा माना जाता है, मतलब का प्लस चा ऑप्शन नंबर ए, का प्लस सा, का प्लस सा या का प्लस चा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, जल्दी से बताइए क्या हो सकता है आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, इसमें देखिए का प्लस ये षटकोण वाला जो छा होता है, इसको इसके संयोग से ही हमारा जो क्या बनता है? छा से छत्री बनता है, छा से छत्री। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि छा जो है वो किसके संयोग से बनता है, तो छा ये वाला बनाइएगा, छा से षटकोण वाला। अब यहीं पर आपसे पूछा जाए कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो चलिए अब छा आया है तो थोड़ा सा संयुक्त व्यंजन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो छ, इसके साथ ही त्र और ज्ञ और इसके साथ स्र से श्रमिक वाला, तो ये 4 जो हो जाते हैं ये हमारे चारों ही संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ये चारों संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। ठीक है, तो इन चारों के साथ ही छ, त्र, ज्ञ और स्र, अगर आपसे पूछा जाए कि इस त्र की ध्वनि क्या होती है, तो ता, अब इसमें भी हलंत लगेगा, ता प्लस रा बन मिलता है, तो इसके संयोग से बनता है त्र। फिर इसी के साथ ही जा प्लस इया, जा में भी नीचे हलंत, जा प्लस इया मिलता है तो बन जाता है ग्या।
अच्छा ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें दिया है कि ये वाला आप आयो आपको समझ में आया होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, का प्लस शा, ठीक है, जिसमें जा प्लस इया हम लोगों ने देखा, और इसके साथ ही जो षटकोण वाला शा बनता है, शा प्लस रा करते हैं तो फिर ये बन जाता है श्रा। तो कभी भी आपसे संयुक्त व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो वो होती है चार। कितनी होती है? चार संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है, जिसमें हम लोगों ने देखा छा, त्रि, क्या और श्रा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि महाप्राण वर्ण, कुछ चार वर्ण दिए गए हैं आपको, और इसमें से पूछा है कि महाप्राण वर्ण कौन सा होता है, महाप्राण वर्ण कौन सा होता है, महाप्राण वर्ण कौन सा होता है, बताइए जल्दी से महाप्राण वर्ण कौन सा होता है। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि पहला किसी भी व्यंजन का पहला और तीसरा, पहला और तीसरा हमेशा क्या होता है, अल्पप्राण के नाम से जानते हैं, पहले और तीसरे व्यंजन को अल्पप्राण के नाम से जानते हैं, और दूसरे और चौथे व्यंजन को हम लोग महाप्राण के नाम से जानते हैं, दूसरा और चौथा हमेशा महाप्राण कहलाता है। तो ध्यान रखिए, अब इसमें पहला ऑप्शन का, था, व या च, जल्दी से बताइए क्या हो सकता है आंसर। अब इसमें देखिए का नंबर जो दिया है ऑप्शन, इसमें का जो है वो पहला है, इसलिए पहला हमेशा हमारा कभी भी महाप्राण नहीं होता है। फिर इसमें दिया है था, जिसे हम लोग पढ़ते हैं ता, और फिर आता है था, तो था की कौन सी हो जाएगी, दूसरा प्लेस हो जाएगा, जगह कौन सी, दूसरी, और इसी में या, रा, ला और वा, और इसके साथ ही चौथे ऑप्शन में चा दिया है। अब इसे बेटा ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन नंबर बी और सी बोथ करेक्ट हैं, तो इसमें क्योंकि था की ध्वनि जो है वो दूसरी, और वा की या, रा, ला, वा क्या है, चौथी है, तो इसके साथ ही था और वाह हो जाएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से दंत वर्ण, मतलब ऐसे वर्ण जिनकी ध्वनि क्या है, दंत है, कौन से हैं, या, च, त, या उ, जल्दी से बताइए क्या हो सकती है। तो ध्यान रखिए, जो हमारे ता, था, दा, धा, ना, मतलब ता की पूरी सीरीज हमारी दंत होती है, क्या होती है, दंत होती है। अगर हम कोई भी लिख दें ता, था, दा, धा, ना, तो ये सभी हमारे क्या होते हैं, दंत कहलाते हैं। अब इसी में ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट, क्योंकि इसमें क्या दिया है आपका, ता, और ता क्या है हमारा, दंत है, क्या है, दंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर पे पूछा है आपसे कि घा, घा का उच्चारण स्थान क्या है। जैसा कि अभी हमने पीछे लास्ट क्वेश्चन में देखा कि ता, था, दा, धा, ना, ये सभी इनकी ध्वनि क्या होती है, दंत होती है। अगर इसी जगह पे हमसे मतलब का, खा, गा, घा और अंगा ये पांच पूछे जाएं, तो ये ध्यान रखें कि इन सभी की ध्वनि क्या होती है, कंठ होती है, क्या होती है। अब आपसे का पूछ लिया जाए, अलग से खा पूछ लिया जाए, गा पूछा जाए, घा पूछा जाए, अंगा पूछा जाए, या फिर इन दोनों को कंबाइन, इनमें से किसी को भी पूछा जाए, बीच में इन सभी को कंबाइन करके पूछ लिया जाए, तो भी इन सबकी ध्वनि क्या होती है, कंठ होती है। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि घा की ध्वनि क्या होती है, कंठ होती है। नेक्स्ट, इनमें से कौन व्यंजन अल्पप्राण है, पूछा है कि इनमें से कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने चर्चा किया कि पहले और तीसरे व्यंजन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अल्पप्राण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्पप्राण बोलते हैं, और दूसरे और चौथे व्यंजन को हम लोग महाप्राण के नाम से जानते हैं, दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण कहलाता है। अब इसमें ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर ए खा, बी था, सी च, डी फा, जल्दी से बताइए क्या होंगे अल्पप्राण। तो ध्यान रखिए कि इसमें का और खा, खा का दूसरा प्लेस, फिर इसमें चा था, ता का, था का जो प्लेस है ता के बाद फिर था, तो ये भी दूसरा, ठीक है, फिर इसके बाद फा जो है ये भी दूसरा, था भी दूसरा। अब जो चा है, ध्यान रखिए चा हमेशा क्या है, पहला, क्या है, च, छ, ज, छ, इया, ठीक है, तो चा क्या है, पहला, इसलिए ऑप्शन सी इज अ करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, चा जो है वही क्या है, अल्पप्राण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा व्यंजन स्पर्श व्यंजन नहीं है, इनमें से कौन सा व्यंजन स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो ध्यान रखें कि का से लेकर मा तक के सभी व्यंजनों को हम लोग स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। इनके बीच से अगर हमसे कोई भी व्यंजन पूछा जाए
या फिर अलग अलग देखिए कोई भी व्यंजन पूछा जाए तो ये क्या होते हैं, का से माँ तक के सभी। तो इसमें दिया है का मा ता, लेकिन माँ के बाद क्या आता है, या। तो या हमारा स्पर्श व्यंजन में नहीं आता, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि या रा ला और वा ये चार हमारे क्या होते हैं, अंतस्थ होते हैं। क्या होते हैं? अंतस्थ होते हैं, अंतस्थ होते हैं, इसलिए इनको हम अल्प प्राण में नहीं रखेंगे। क्या होते हैं? अंतस्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अंतस्थ होते हैं, क्या होते हैं? अंतस्थ। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट। इनमें से कौन सा व्यंजन स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो या जो है, या हमारा कोई भी स्पर्श व्यंजन नहीं होगा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज हमने वर्णमाला के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ देखी, जिसमें अल्पप्राण, महाप्राण और कई सारे टॉपिक्स थे। हो सकता है कि हम आपके लिए दूसरी क्वेश्चन की भी सीरीज लाएं, जिसमें वर्णमाला के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो इससे हम आपके लिए क्वेश्चन की अच्छी से अच्छी सीरीज ला पाएँ, जिसके लिए आपको शेयर करना होगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, जिससे कि आप और भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाएँ आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। और अगर आप हमारे ऑफलाइन बैचेस या फिर पेड बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है, इसे कॉल करके आप हमारे और भी कोर्सेज की जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।